नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे द फेमस डायरेक्टर एटली कुमार की जीवन से जुड़ी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अजय असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहा था, बट आज ओनली 4 मूवीज बनाकर यंग एज में ही एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गया। साथ ही डायरेक्टर एटली कुमार की लव लाइफ, स्ट्रगल लाइफ से जुड़ी ऐसी काफ़ी सारे बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, डायरेक्टर एटली कुमार का जन्म 21 सितंबर 1986 को तमिलनाडु की मदुरई शहर में हुआ था एक छोटी से मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में। एटली का रियल नेम अरुण है, बट घर वाले उन्हें प्यार से एटली बुलाते थे। नंबर 2, एटली कुमार मदुराई के एक प्राइमरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी किए थे और इसी बीच उनकी पूरी फैमिली मदुराई से चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। एटली अपनी आगे की पढ़ाई चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी से विजुअल कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन की। बचपन से ही एटली को पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी, शौक था तो सिर्फ सिनेमा। नंबर 3, कॉलेज टाइम से ही एटली का गोल फिक्स था कि उन्हें आगे जाकर फिल्मों में काम करना है और घर वाले भी एटली को हर काम में सपोर्ट करते थे। कॉलेज टाइम पर उन्होंने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी और यह शॉर्ट मूवी जब रिलीज हुई, कॉलेज के साथ साथ कॉलेज के बाहर भी एटली की टैलेंट की काफ़ी तारीफ किया जाने लगा। नंबर 4, फिल्म की दुनिया में जाने से पहले एटली फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते थे, इसलिए वो कई सारे डायरेक्टर के पास जाकर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑडिशन दिया करते थे। काफ़ी कोशिशों के बाद एटली को चांस मिला इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर एस शंकर के साथ काम करने की, जो कि हमें रोबोट आई, अपरिचित 2.0, शिवाजी द बॉस जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज दिए हैं। नंबर 5, ये बात 2008 और 9 की है। उन दिनों डायरेक्टर शंकर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ रोबोट मूवी बना रहे थे और एटली एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। एटली डायरेक्टर शंकर की काफ़ी काम संभाल रहे थे, साथ ही कई सारे क्रिएटिव चीज़ों में शंकर की मदद कर रहे थे। डायरेक्टर शंकर एटली की सिंसियरिटी और काम करने के तरीके से काफ़ी इंप्रेस हुए थे, साथ ही सेट पर भी एटली की विजुअलाइजेशन की काफ़ी तारीफ किया जा रहा था। इसी बीच 2010 में रोबोट मूवी रिलीज हुई, जो कि वर्ल्ड वाइड 191 करोड़ की कलेक्शन किया था। नंबर 6, डायरेक्टर शंकर एटली की काम से काफ़ी इंप्रेस हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म ननबन में भी एटली को एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अपने पास रख लिया। ननबन मूवी बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स की रीमेक थी, जिसमें तलपति विजय लीड रोल में नजर आए थे। सेट पर एटली की काम करने की तरीकों से तलपति विजय भी काफ़ी इंप्रेस हुए थे, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। नंबर 7, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर एटली काम करते हुए 5 साल बीत चुका था। इसी बीच एटली गुरु शंकर से डायरेक्शन को लेकर काफ़ी कुछ सीख लिए थे, साथ ही इसी बीच एटली कई सारे शॉर्ट मूवीज पर भी काम कर रहे थे। एटली काफ़ी सारे शॉर्ट मूवीज भी डायरेक्ट किए हैं। उस टाइम एटली की एक शॉर्ट मूवी मुगा पुतकम काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक्टर शिव कार्तिकेयन नजर आए थे। यहीं से ही एटली एज ए डायरेक्टर का सपना देखने लगे। नंबर 8, एटली अब अपना खुद का मूवी बनाना चाहते थे। एक जबरदस्त लव स्टोरी स्क्रिप्ट लेकर एटली डायरेक्टर प्रोड्यूसर ए.आर. मुरुगदास के पास पहुंचे। आपको बता दें कि दोस्तों ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आमिर खान की गजनी मूवी बनाई थी। जब एटली मुरुगदास को स्टोरी सुनाई तो वो स्टोरी सुनते सुनते काफ़ी इमोशनल हो गए थे। बेसिकली ये एक लव स्टोरी मूवी थी, जिसमें एक लड़का और लड़की जो किसी और को पसंद कर रहे थे, बट दोनों की बिना अनुमति से ही दोनों की शादी कर दिया जाता है और आगे जाकर दोनों कैसे एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं और कैसे अलग अलग होकर अपनी प्यार को ढूंढने की प्रयास करते हैं और फाइनली कैसे एक दूसरे को समझ कर साथ में रहने का फैसला करते हैं।
नंबर 9, यह मूवी एटली के लिए काफी खास थी बिकॉज मूवी की शूटिंग मुहूर्त में खुद कमल हासन आकर कैमरा को ऑन किए थे और ऑडियो लॉन्चिंग के टाइम सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे थे पूरी टीम को आशीर्वाद देने। मूवी की बजट सिर्फ 25 करोड़ थी बट यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ की बिजनेस किया था। इस मूवी से एटली काफी पॉपुलर हो गए थे, उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। साथ ही मूवी की डायलॉग खुद एटली ने लिखा था जिसकी वजह से उन्हें तमिलनाडु स्टेट अवार्ड की तरफ से बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड भी मिला। नंबर 10, अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए एटली लगभग एक साल तक स्टोरी पर काम किए थे। जब स्टोरी रेडी हुई तो एटली डायरेक्टर सुपरस्टार तलपति विजय को अप्रोच किए थे। स्टोरी पढ़ने के बाद विजय भी मूवी में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। 2016 में एटली और तलपति विजय की मूवी तेरी रिलीज हुई जिसमें तलपति विजय के साथ साथ एमी जैक्सन और समंता भी नजर आए थे। मूवी का बजट 75 करोड़ था बट बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी 180 करोड़ की कलेक्शन की थी। साथ ही ये मूवी उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बन गई थी। इस मूवी के लिए एटली को एज ए बेस्ट डायरेक्टर काफी सारे अवार्ड से नॉमिनेशन किया गया जिसमें एटली आईफा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड बिहाइंड रूड गोल्ड मेडल भी जीता। नंबर 11, इसी बीच एटली अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोला जिसका नाम एफ और एप्पल रखा गया। इसी प्रोडक्शन कंपनी के अंडर सबसे पहले जिबा की मूवी सैंगली बुंगली को प्रोड्यूस किया गया और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा था। नंबर 12, तेरी मूवी की सक्सेस के बाद एटली और एक दमदार स्क्रिप्ट के साथ तलपति विजय को अप्रोच किया था। मूवी का नाम मार्शल है और इसे खुद एटली ने लिखा था। मूवी में तलपति विजय के साथ साथ समंता ऋतु प्रभु काजल अग्रवाल और नित्या मेनन भी नजर आए थे। मूवी का बजट 185 करोड़ था बट यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। एटली अपनी नेक्स्ट मूवी भी तलपति विजय के साथ ही बनाए थे। मूवी का नाम बिगल है और ये एक स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है। इस मूवी को भी खुद एटली ने ही लिखा था। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। नंबर 13, अब तक एटली सिर्फ 5 मूवीज ही किया है और 5 के 5 सुपरहिट और स्टिल एटली की गिनती बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ किया जाता है। नंबर 14, बात करें एटली की मैरिटल स्टेटस के बारे में तो डायरेक्टर एटली फेमस टीवी एक्ट्रेस कृष्णा प्रिया से शादी किए थे। दोनों 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 9 नवंबर 2014 को शादी किए थे। नंबर 15, डायरेक्टर एटली साउथ में अपना जलवा दिखाने के बाद फाइनली मूवी जवान के जरिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में दमदार एंट्री कर लिया है। जवान मूवी अब तक 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है और स्टिल अभी भी रनिंग है। नंबर 16, एज पर रिपोर्ट जवान मूवी की स्क्रिप्ट जब कंप्लीट हुई तो एटली फर्स्ट इस मूवी के लिए तलपति विजय को ही अप्रोच किया था बट उन्होंने मना कर दी। 2019 CSK बस KKR के एक IPL मैच में एटली शाहरुख खान से मिले और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ एक मूवी बनाना चाहता हूँ। एटली की कॉन्फिडेंस और पिछले मूवीज की दमदार डायरेक्शन को देखकर शाहरुख खान भी राजी हो गए थे। नंबर 17, एज पर रिपोर्ट्स डायरेक्टर एटली शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के अंडर 3 मूवीज साइन किया है। नंबर 18, डायरेक्टर एटली अपनी पॉपुलर मूवी तेरी की रीमेक बॉलीवुड में बनाने जा रहे हैं जिसमें लीड में वरुण धवन नजर आने वाले हैं। साथ ही फीमेल कास्ट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है बिकॉज फीमेल लीड के लिए सबसे पहले अनुष्का शर्मा को अप्रोच किया गया था बट उन्होंने मना कर दिए। अब कृति सुरेश का नाम इस मूवी के लिए चर्चे में है। तो ये थी दोस्तों डायरेक्टर एटली कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।